नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। कानपुर के कव्वाल शरीफ परवाज मनगवा के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अपने मन की बात अति उत्साह में बोल गए। लेकिन जैसे ही शरीफ परवाज का वीडियो वायरल हुआ तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात की या मांग की। मजबूरी में मनगवा पुलिस को शरीफ परवाज पर मामला दर्ज करना पड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के पहले ही शरीफ परवाज मंच पर जितनी दिलेरी से यह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी कोई हैसियत नहीं है। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाय लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। जैसे ही उन्हें इस बात का खतरा महसूस हुआ कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वैसे ही शरीफ परवाज के सुर बदल गए, सारी हेकड़ी निकल गई और बोलने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरे दिल में हैं, अमित शाह जी तो मेरी जान में हैं और भी पता नहीं क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम, शरीफ परवाज हिंदू भाइयों को नमस्कार, आदाब। एक प्रोग्राम मैंने रीवा में, जगह है मनगवा, 28 तारीख को वहाँ प्रोग्राम दिया था। वहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और मैंने वहाँ कोई ऐसी गलत बात नहीं की। मैंने ये कहा था हमारे मोदी जी भी हैं यहाँ, योगी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, और उनसे भी बड़े हैं। कौन बड़े हैं? अल्लाह, ईश्वर, जितने औलिया हैं। तो उनकी बात मैं सर आंखों पर, मोदी जी मेरे दिल में है, योगी जी मेरी जान में है और अमित शाह मेरी जान में है, तो मैं उनके लिए मैंने नहीं कहा था, किसी की तरफ इशारा नहीं था, इशारा गरीब नवाज की तरफ था। हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान की है लेकिन बजाते पाकिस्तान की। यदि वाकई में शरीफ परवाज को हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता के प्रति कोई लगाव नहीं है तो जरूरत क्या है उन्हें हिंदुस्तान में रहने की? बेहतर होगा ऐसे कलाकारों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी कला के मुरीद सिर्फ एक वर्ग विशेष के ही लोग हैं, दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग के लोग भी उनकी कव्वाली सुनने जाते हैं। लेकिन इतने बड़े कलाकारों के मन में क्या भरा हुआ है, क्या गंदगी भरी हुई है, यह समझ से परे है। इतना ही नहीं, इसके पहले देश के एक नामवर शायर, ख्यातिलब्ध शायर मुनव्वर राणा ने भी कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी तो वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ा या नहीं छोड़ा यह तो बात का विषय है, लेकिन यह सब कहने की जरूरत क्या है? इससे यह साफ जाहिर होता है कि इतने बड़े कलाकार भी, इतने बड़े शायर भी दिल दिमाग में कहीं जहर की खेती कर रहे हैं। यदि वाकई में इनके दिलों में हिंदुस्तान नहीं बसता तो जरूरत क्या है इन्हें हिंदुस्तान में रहने की? देखते रहिए विशाल खबर।